मैं अपना चूड़ा बधाई कर दूं, मार्क्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग। अब हम आगे अपने फैमिली ज्वेलर के पास। बेटी डाली थी तो पैसा तो फंसा ही हुआ था। मेहनत करते दोनों कमाते हैं, बहुत एक्सपेंसेस करते हैं हम, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं। बहुत गोल्डन लाइफ है, हाँ। किसी की नहीं होती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे गले की जबरदस्त बैंड बजी पड़ी है, बहुत जोर लग रहा है बोलने में, इसलिए मैं आपको अपनी नई डोनाल्ड डक आवाज सुनाना चाहती हूँ। ये बोले ऐसे बोलने में ज्यादा जोर लग रहा है, पर ऐसे बोलने में कमजोर सुनने में लग नहीं रहा। सुनने में लग रहा है कि वो ऐसे में ज्यादा जोर लग रहा है। नहीं, वो मैं नाक से बोल रही हूँ तो ठीक है, बट अब धीरे जब मैं चुप रहती हूँ ना बहुत देर, तो मेरे को आराम मिल जाता है। बट डोंट वरी गाइस, मेरी मम्मी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मेरा ब्रांड न्यू माइक बहुत जल्दी आने वाला है, एक्साइटेड हूँ उसके लिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा गाइस, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि मैं अपना चूड़ा बधाई कर दूं। हमारी शादी को 1.25 साल हो चुका है। वैसे मैंने सोचा तो था कि आजकल लड़कियां 3-3 साल तक पहन के रखती हैं, तो मैं भी पहनूंगी, बट एक्चुअली गाइस इतना प्रैक्टिकल नहीं है, पहनो तो पता चलता है। मैंने अपना पूरा 1.25 साल बड़ी खुशी इसको पहना है, पर अब आई एम रेडी चूड़ा बधाने के लिए। देखो, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ना यहाँ पे कट्स पड़ रहे हैं, देखो इतनी मेरे को जलन हो रही है, इतनी ज्यादा जलन हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बार बार उसके ऊपर चूड़ा लग रहा है, मेरे बैंगल्स लग रहे हैं और मेरे को सच में जलन हो रही है। और ये हुआ है स्वेट की वजह से। टचवुड, मेरे चूड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि 1.25 साल में भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, पर क्योंकि स्वेट की वजह से, प्लस जहां मैं काम कर रही हूँ वो रूम इतना गर्म है, मुझे कभी कभी पंखा भी बंद करना पड़ता है ग्लिटर के चक्कर में, तो स्वेटिंग और ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वॉक करती है, कुछ भी मतलब कुछ भी एक्टिविटी करती है तो पसीना तो आता ही है। तो मतलब मैं रोटी वोटी नहीं भी बनाती ना गाइस, तो मेरा काम ऐसा है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है और इस गर्मी में मुझसे बिल्कुल भी नहीं झेला जा रहा। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम अपनी चूड़ा बधाई कर देंगे फाइनली। इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन है ना, लड़कियों को अटैचमेंट भी हो जाती है चूड़े से, बट इट ऑल्सो मार्क्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन लाइफ ऑफ अ मैरिड वुमन। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। और इसी के साथ आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि देखो चूड़ा बधाई करनी है तो कुछ गिफ्ट तो देगा ना मेरा पति मुझे। बैंगल्स तो मेरे पास है ही, क्योंकि शादी के टाइम पे हमने बनाए थे, तभी के टाइम जब ज्वेलरी शॉपिंग करी थी, बट मैंने कहा थोड़ी बहुत एक आधी ट्रीट बनती है ना बेबी, इतने बनता है पूरा साल मैं गर्मियों में कट कट लेके घूम रही हूँ, छोटी मोटी चीज बनती है। हाँ। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग, शॉपिंग करेंगे, आपको हमारे साथ लेके चलेंगे। मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पसंद आया तो ही लेंगे, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी शॉपिंग है जिसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ। तो जा रहे हैं मन से, पर अगर नहीं समझ आया तो कुछ नहीं लेंगे, पर आप हमारे साथ चलो। दिल्ली हम पहुंचे नहीं है, आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे इनफैक्ट, और इनका पहले खाना पीना ठूसना शुरू। दिल्ली के नाम पे पता नहीं क्या इनको भूख लगती है, जबरदस्त छोले कुलचे आए हैं। छोले कुलचे एक प्लेट ऑलरेडी खा चुके हो ना? दो प्लेट खा चुके, तीसरी प्लेट आई है। मिर्ची से धुएं निकल रहे हैं, लंच नहीं करके निकले ना। और देखो मिर्ची खाइए, छोले भटूरे वगैरह, छोले कुलचे खाएं और आवाज निकल आई है देखो खिलखिलाती हुई। आज मम्मी फुल हीरोइन बन गए, मम्मी ने सुंदर सी फ्रॉक पाई है। बेटी जा रही है माया, मम्मी के मम्मी ने फ्रॉक पाई आज। A few moments later, माया डॉली मैंगो खाने है ना मम्मी, मैंगो डॉली मम्मी की फेवरेट है, मैंगो डॉली। मैंगो डॉली मम्मी का नाम भी डॉली, डॉली की फेवरेट मैंगो डॉली। पापा को घर छोड़ गया, पापा की पार्टी कर ले मेरा। पापा बोलेंगे कैसी गंदी औलाद है मेरी। थैंक यू भैया, कितना पैसा हो गया? इतना पैसा तो है ही नहीं हम पे, तो है ही ना हम पे, तो है ही ना। चौको में नहीं लाया ना ये। हाँ ठीक है, पतला कैसे हो गया? किसको पतला होना है, क्या करना पतला हो गए? वन लाइफ पे, वन लाइफ ईट। क्या करोगे, खीरे खा के अगर जीने ये 100 साल मरो क्या खीरे खाके? खीरे खाके आइसक्रीम खा के 50 साल जी लो, ज्यादा बेटर है। खीरे भी तो आजकल असली नहीं आते, एक ह्यूमन लाइफ है। उस दिन वाटरमेलन मंगाया इतना नकली निकला, इससे अच्छा आइसक्रीम खा लो। जो जन्नत का मजा इसमें है ना, है ना, बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट आइसक्रीम है ये। ये मदर डेयरी की आइसक्रीम लेकिन थोड़ी सी पोकी सी है, हल्की फिल्की है बड़ी, है ना। हम लोग वहाँ पे क्रीम बेल और वाडी डाल खाते हैं, उसकी इतनी बढ़िया होती है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ज्वेलरी शॉप वाज द गार्ड भैया। लिटरली बेस्ट थिंग आई लाइक हियर इज द गार्ड भैया सेइंग नमस्ते टू एवरीबॉडी और स्माइल के साथ में, बाकी तो बेकार था बिल्कुल। ऐसी ज्वेलरी चोरी में आंटियां बेच रही है, पुराने जमाने का माल एकदम, डिजाइन था पहले ही बोला था। Eventually, so guys, मैंने यहाँ पे डाली थी अपनी एक छोटी सी कमेटी जो हम रिडीम करने आए थे, तो मम्मी बताइए क्या हुआ? कमेटी डाली थी तो पैसा तो फंसा ही हुआ था,
ना तो इनके पास कोई कलेक्शन अच्छी है, हमें चाहिए था, इन्होंने तुरंत ही कह दिया वो तो हमारे पास आज है। हमने बोला कि आपको 5 दिन बाद आना पड़ेगा। अब नोएडा से हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि 1000-1000 रुपए का पेट्रोल खर्च करके हर 5 रुपए दोबारा चक्कर काट। तो इन्होंने बोला हमें, एक्चुअली हमने बोला कि ज्वेलरी नहीं समझ आ रही, गोल्ड कॉइन ले लेते हैं, ऑप्शन था। पर ये भी बड़े समझदार है, इन्होंने कहा हमारी जितना अमाउंट था उससे 11,000 ऊपर का कॉइन है, उससे नीचे वाला कॉइन नहीं है, चाहिए तो 5 दिन बाद आना। हम आज नीड में हैं, तो हमने भी कहा कि ऐसे कैसे, ये चाहते हैं कि हम ऊपर दे आओ, हमें 1 रुपया नहीं देंगे। हमने फिर अपनी पसंद के वहाँ से टॉप्स खरीद लिए, अपनी पसंद के नहीं कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया जो उस अमाउंट में आ रहा था, ले लिए उस अमाउंट के अंदर, 160 रुपए दिए और चीज लेके आ गए। अब हम जाएंगे अपनी पसंद की चीज लेने और वहाँ पे बेच के कुछ और ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे। अब हम आगे अपने फैमिली ज्वेलर के पास, धवन ज्वेलर्स मोती नगर। इनसे हमें बहुत प्यार है, बहुत पुराना रिश्ता है, बट मैंने कमेटी इसलिए डाली थी ताकि कुछ मेरा अमाउंट सेव हो जाए। ओवरऑल डिसीजन अच्छा था गाइस, बाद में इस बारे में डिटेल में बात करूंगी, अभी चल के शॉपिंग में फोकस करते हैं। yes. So finally guys, my purchase has been made. अभी आपको जब सेरेमनी हो जाएगी तभी दिखेगा जो भी लिया है मैंने, छोटा सा गिफ्ट। अंदर का हम लोग दिखा नहीं पाए क्योंकि अंदर ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, इनफैक्ट कैमरा ही अलाउड नहीं है, फोटो भी नहीं खींच सकते। बट देन इनकी कलेक्शन, हम कहीं भी चले जाए ना घूम फिर के, हम यहीं पे आते हैं और यहीं समझ में आता है हमको जो भी आता है। जब मैंने किटी स्टार्ट करी थी तो भी मैंने यही पहले कॉल किया था, बिकॉज मेरे को छोटे अमाउंट से स्टार्ट करनी थी। बट इन्होंने अनफॉर्चुनेटली तब मुझे किसी ने बोला कि बहुत बड़े अमाउंट से स्टार्ट हो चुकी है, तो आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। वरना मैं कहीं आके बंद करके, मैं धवन ज्वेलर्स मोती नगर इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती। मेरी वेडिंग ज्वेलरी, हमारी रिंग्स, सब कुछ आई ओनली ट्रस्ट धवन ज्वेलर्स। बट लकीली जो हमने वहां से लिया था वो यहाँ के बेच दिया, मेरी परचेस हो गई। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड बाइंग गोल्ड ऑलवेज, एनी ज्वेलरी इन फैक्ट मेक्स वुमेन वेरी एक्साइटेड, सो आई एम रियली रियली हैप्पी। एसी इज हैप्पी तो आई एम हैप्पी। मैं कैश मैं एटीएम से निकालता हूं ना और मोबाइल लेके आता हूं। मम्मी को अपने किचन का कुछ सामान लेना, यहां रॉ मटेरियल सही मिलता है तो बस मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे पेटीएम यू पे कुछ नहीं चलता, यहाँ पे चलता हार्ड कैश। अब ढूंढना पड़ेगा एटीएम। ये एटीएम के अलग ही नष्ट चल रहे हैं, बोल रहे प्लीज रिमूव योर हेलमेट। अलग ही यार, ये वाले कैमरा कूनरा बैंक के एटीएम से ना मेरे को बड़ा डर लगता है कि एटीएम इतने खराब हालत में रहते हैं ना। मैंने एटीएम से पैसे निकाले उतरे, मम्मी ने यहाँ पे मस्त अपना हरि दर्शन का ये निकाल लिया। जो चीज याद है, आई एम नॉट श्योर आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, एक बार मैं और मम्मी हरि दर्शन का चंदन ढूंढने के लिए निकले थे नोएडा में, और उन्होंने बोला था कि ये तो ये वाला तो मिलता ही नहीं है, याद है मम्मी? हाँ। उन्होंने बोला तो मिलता ही नहीं है ये वाला, और यहाँ हर जगह इतनी कॉमनली मिलता है। ये केसर वाला भी आ गया अब नया, पूरे घर में घुमाने के लिए ये होता है, बढ़िया ना। हाँ, इसमें गूगल डाल के पूरे घर में करते हैं। 150 बढ़िया। चलो जी, मिशन सक्सेसफुल, मम्मी का सामान भी हो गया। और गाइस, अगर मोती नगर मार्केट में कभी आओगे ना तो मैं बता रहा हूँ आप लोग ना यहाँ से मोट कचौड़ी पक्का खाना। ये मोट कचौड़ी इतनी अमेजिंग है, यहाँ से मैं हमेशा मोट कचौड़ी खाता हूँ, लेकिन हमको अभी आगे और जाना है तो हम रुक नहीं सकते। और अभी थोड़ा आते रास्ते में हमने खाना खाया भी था तो इतनी भूख भी नहीं है, लेकिन आगे जाके शायद और भी कुछ खाएंगे। फॉर नाउ इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मोती नगर मार्केट आए तो पक्का खाना ही खाना, मजा आ जाएगा। गाइस, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट स्टॉप हमारा आ चुका है, वो है रजौरी गार्डन, हमारा फेवरेट। यहाँ मिलता है बढ़िया बढ़िया खाना और यहाँ होती है बढ़िया बढ़िया शॉपिंग। तो शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पे, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे और फिर घर को निकलेंगे। विंडो शॉपिंग करने आया गाइस, कपड़े को अलमारी में जगह नहीं, मम्मी के साथ हांडने आए हैं, हांडने वेस्ट दिल्ली थिंग्स। हांडना मींस घूमना, तफरी। यस, हम रजौरी के बिल्कुल पीछे वाले एरिया में हैं। ये रजौरी बड़ा खाली खाली लग रहा है मेरे को, एंट्री मारी ना सर। अच्छा, मेन मार्केट से आ रहे हैं बस। लेकिन यहाँ की लाइटों में कुछ फर्क है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आके लगता है कि कोई पॉश मार्केट में आ गया। इसके फायदे में दही, अरे गमले ही असली हैं नकली हैं? नहीं, हाँ भाई असली है। अरे भाई आजकल प्लांट्स भी ऐसे देखो रोड साइड मिलने लग गए, कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर प्लांट थे, महंगे बहुत होंगे इसलिए मैंने पूछा भी नहीं कितने के होंगे, लेकिन अप्रिशिएट तो कर सकता हूँ ना। क्या खाओगे मम्मी? पाव भाजी और गोलगप्पे। पाव भाजी और गोलगप्पे, अरे वो नहीं खाओगे मम्मी? कुल्फी। हाँ कुल्फी। अब हम आए अतुल चाट भंडार, ये दुकान आई वुड से आइकॉनिक है। यहाँ पे मैं और मुस्ती ने खड़े होके इतने सारे चिंदी डेट मारे हैं ना। बैक वेन जब हम लोग डेट कर रहे थे और हम लोग हर चीज सेव कर रहे थे, हर पैसा सेव कर रहे थे क्योंकि हमें शादी करनी थी और हमें
पैसों की वैल्यू पता चली थी क्या होती है, तब हम लोग यहाँ डेट करने के लिए आते रहे, पाव भाजी खाते रहे, कुल्फी खाते रहे और चले आते रहे। जब मैं और मुस्कान डेट करते रहे और हमारे पास मंथ एंड में पैसा नहीं बचता रहा ना, हम लोग को मिलना होता रहा, मैं जनकपुरी आता रहा, ये रमेश नगर रहती थी, मैं बोलता रहा भाई पैसा खत्म हो गया, ये बोलती रही मेरे पास है बच्चे में थोड़े से, अतुल जाट ने मिलते हैं और यहाँ बैठ के हम लोग टिक्की खाते रहे, पाव भाजी खाते रहे, क्या डेट मारते रहे, डेट होती रही 150 रुपए में, क्या मस्त डेट। बैक होम अमित जी, हम लेके आ गए हैं। ये तो सोच के हम गए थे कि मैं ये सोचा था कि जो कमेटी पर मेटी डाली है ठीक है उससे एक आधी रिंग बन जाएगी अच्छी सी, ठीक है छोटा अमाउंट ही डाला था मैंने, तो मैं सोचा था कि रिंग ले लेती हूँ बस, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ठीक है, बट फिर मेरा दिल इस चीज पे आ गया और मैंने सोचा क्यों ना फिर Exactly. जो सेरेमनी उससे रिलेटेड है, इट्स अ वेरी प्रिटी डेंटी ब्रेसलेट, क्योंकि मेरे को ना मम्मी मतलब मेरी चॉइस है बहुत लाइट वाली है, और मेरा हमेशा से ये है कि जितना टाइम मैंने ये न्यूली वेड फेज में निकाल लिया मैं फुल एकदम मतलब टिपिकल मैरिड वुमन बन के घूमी हूँ ठीक है, बट अब मेरी जोड़ा बदल गई तो मुझे अब बैक टू रूटीन होना है और बिल्कुल अनमैरिड लगना है, ताकि बाहर निकलूं तो 10 लड़के छेड़े मुझे ठीक है, तो मैंने बिल्कुल डेंटी ज्वेलरी बनवाई है, ये आपको रसम के दिन ही देखने को मिलेगी और प्लान नहीं था गाइस, बट मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि छोटे से ही बड़ी चीजें बनती हैं, सो व्हाटएवर यू कैन सेव एक्चुअली, क्योंकि मैं ना बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर पाते, हमारे पास आपको पता ही है गाइस सब कुछ हम खुद ही करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है हमारे पे, तो हम अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि हम इकट्ठे बनाएंगे कमेटी में बचता नहीं है ये वो, जो ये बोल रही है ना मैं इसको बीच में रोक के बता रहा हूँ, ये जो भी बता रही है ये बहुत कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है एक न्यूली मैरिड कपल के लिए, स्पेशली ये कपल जो सारा कुछ बिल्डिंग बना रहा है अपनी पहली ईंट से लेके आखिरी टावर तक ठीक है, तो हमारी पहली ईंट हमने रखी है और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हमने सारा कुछ किया है, ये चाहे वो कुछ भी हो मतलब चाहे वो हमारा सगन हो शादी हो कुछ भी चीजें हो मतलब हमने बहुत मेहनत करी, जैसे मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे रजौरी गार्डन में हमें डेटिंग के टाइम हमारी शादी का टाइम कुछ दिख रहा था ना कि अभी कुछ सालों में आने वाला है, तो हमें रियलाइज हुआ कि पैसों की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे सर पे इतने बड़े बड़े खर्चे थे शादी के, और गाइस टचवुड भगवान की कृपा है मेहनत करते दोनों कमाते हैं अच्छा से, अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल भी हमने अच्छा करा है पर एक माइंडफुल थॉटफुल स्पेंडिंग बहुत जरूरी है, शायद आप लोग हमें यूट्यूब पे देखते हो तो आपको ये लगता हो कि हम बहुत एक्सपेंसेस करते हैं या कुछ करते हैं, बट गाइस हम बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हमने क्या क्या इकट्ठा करा है, मतलब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ ठीक है, ये जो इसने कमेटी रखी है, ये कमेटी मेरे को इनफैक्ट इसने मेरे को बताया ही नहीं था कि इसने कमेटी शुरू कर दी, ये इसकी फोरसाइट थी कि ये टाइम आने वाला था कि चूड़ा बधाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनता है, और देखो गाइस हमारे ना मतलब आई थिंक लव मैरिज का ये पर्क है कि आप अंडरस्टैंडिंग से चलते हो है ना, मतलब अरेंज मैरिज में होता है लड़कियों को सरप्राइज मिलता है, बट ये कि हमें पता है कि हमें खुद ही करना है, हमारे में तेरा पैसा मेरा पैसा नहीं है, हमारे में हम दोनों का पैसा है, हमारा पैसा है, एक दूसरे के लिए बनाना है। और एक चीज मैं बोलूंगी कि जब हम हमारी शादी नहीं भी हुई थी ना, हम जब बात करते थे इस बारे में कि अंकित कैसे होगा, और गाइस प्लीज ये मत सोचना कि हमारी बड़ी गोल्डन फैमिली है या बहुत गोल्डन लाइफ है, किसी की नहीं होती, एवरी कपल गोज थ्रू देयर फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स, हमने बहुत स्ट्रगल देखा है, इसीलिए आज बस हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, हमने पकड़े रखा है एक दूसरे को, इसीलिए आज हम साथ यहाँ बैठे हैं, और आप लोग कितने भी अप्लाई होता है हर किसी कभी भी हमें देखिए ये मत सोचना कि यार ये कितने लकी हैं,
लकी नहीं है हम, लकी नहीं, बहुत लड़े हैं, लकी नहीं है हम, इतना लड़े हैं, इतना लड़े हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत लड़े हम। बट ये है कि अगर प्यार है ना तो फिर आपकी सारी लड़ाइयाँ कामयाब हो जाती है, छूट जाता है। अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अंडरस्टैंडिंग है ना तो कोई चीज आपको तोड़ नहीं सकती, भगवान आपको साथ देता है, ये मैंने देखा है। फिर आप, हाँ, फिर आप कुछ भी कर लो, कोई भी सामने आ जाए, इट वुडंट मैटर। मतलब ऐसे ऐसे समय आए हमारी शादी से पहले कि मैं बहना उनके, मैं मंदिर के सामने भगवान के आगे बैठ के रोई हूँ कि इतने साल हो गए गुरु जी, क्या होगा क्या होगा। पर जहाँ कोई साथ नहीं देता ना आपका, अगर आप में सच्चाई है, आपके दिल में सच्चाई है, भगवान खुद उतरते हैं आपके सारे काम करवाने के लिए। हाँ। आप और कैसे होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मुसीबतें भी झेलोगे। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे भगवान उतने उतर के हमारी शादी करा दी, नहीं, हमने बहुत मेहनत करी है, हम आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने के लिए, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है गाइस, मैं सही बताऊं बहुत छोटी चीज है इसका। मैं बताऊं कि मैंने 2500 रुपए से स्टार्ट करी है ना, 2500 रुपीज की, और इसका क्रेडिट जाता है दीक्षा वर्मा को। दीक्षा वर्मा, मैं ना कमेटी डालती नहीं थी गोल्ड की, मेरे को लगता था इकट्ठे बनाएंगे यार, एक बार पैसा देके फंस जाते, पर दीक्षा ने बोला ऐसे सोचती रहेगी ना तो कुछ भी नहीं बनेगा, एक आधी रिंग बनाने के लिए 2500 की कमेटी डाल ले। तो मैंने कहा चल छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको बताया नहीं, मैंने डाल दी, 2-3 महीने बाद बताया कि ऐसे चल रही है। पर हमारे में तेरा मेरा नहीं है कि मैंने कमाया इसने कमाया, जिस महीने जिस फंड से पैसे निकले उठा के दे दिया, हमारा सब कंबाइंड है। हाँ। जो है सब कंबाइंड। देखो ऐसा है कि हाँ। चक्का घूमता रहता है। हाँ। चक्का घूमने के लिए महीने के बीच में पैसा चाहिए, महीने की स्टार्टिंग में पैसा चाहिए। तो एक पुश मेरी तरफ से लगता है, एक पुश इसकी तरफ से लगता है, फिर एक पुश मेरी तरफ से लगता है, तो ऐसे चक्का घूमता रहता है हमारा। हम वहाँ पे ज्यादा हमने बात नहीं करी, हमने सोचा घर आके आराम से बात करें, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब फर्स्ट गोल्ड शॉपिंग है गाइस, जो हमने आपके साथ करी है। और हम आगे आने वाले यूथ को यही इंस्पायर करना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट बनो। हाँ। No matter how strong your family is, बहुत no matter how much your backup is, मतलब मेरी joint family में जब हम रहते थे, हमें बहुत पैसा देगा, बहुत पैसा, ठीक है, मतलब बहुत पैसा देगा, बहुत ज्वेलरी देगी, पर मैंने सिर्फ ये सीखा है कि आपको strong होना चाहिए, अगर आप strong हो ना, that's it। अगर आपके हाथ में है, वो इतना भी है ना आपका, आपका सिर्फ इतना भी है ना, वो भी आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जो किसी कोई पुश्तैनी चीज आपको नहीं दे। Exactly. आज मेरी 25,000 की डाली हुई कमेटी से थोड़े पैसे और डाल के मेरा एक छोटा सा प्यास ब्रेसलेट बन जाएगा, जो मेरे एक ओकेजन काम आएगा। हाँ। इसके लिए आपको शादी का वेट करने की जरूरत नहीं है, शुरू करो, अभी से शुरू करो, अभी से शुरू करो। मेक इट फॉर योरसेल्फ, मेरे को शुरू से शौक है ना। हाँ। ज्वेलरी का, और हमने इनफैक्ट हमने शादी का वेट नहीं किया था अपना गोल्ड बनाना शुरू करने का, हमने गोल्ड सेविंग, जैसे मैं बार बार बोलता रहता, स्कूटी ली थी हमने, तो हमारी स्कूटी से शुरुआत हुई थी, वो भी हमने पैसे जमा करी थी। उसके बाद भी हमारी शादी की टूवर्ड जाते आते हमारी जो भी सेविंग्स थी खर्चों के लिए, जो इसको चढ़ेगा, जो मुझे चढ़ेगा, हमने सारा कुछ मिलके किया था, वो सारी हमारी फोरसाइट और हमारी प्लानिंग थी। तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, आपको भी करना चाहिए। देखो अगर आप विजन देखते हो बीइंग सिंगल आल्सो एंड बीइंग अ कपल आल्सो, अगर आप विजन देखते हो कि आपको, क्योंकि गाइस वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली राइट, तो हमारे सजेशंस और एडवाइसेस भी वैसे ही होंगे मिडिल क्लास वाले। ये छोटी छोटी चीजें बहुत खुशी देती हैं यार लाइफ में। बाय द एंड ऑफ द डे मैं बस थैंकफुल हूँ कि आज हमारी छोटी से छोटी चीज भी हो, चाहे वो दिवाली पे एक चांदी का सिक्का लेना हो, या वो कोई हमारे सगन का सोने का सेट लेना हो, कुछ भी, तो वो हम दोनों की मेहनत है बस। और ठोक मतलब, बजा के बोल सकते हैं कि हमने किया है। मतलब चाहे हमने अपने दिन रात एक कर दिए। हाँ। हमने किसी तीसरे को बॉदर नहीं किया अपने सपनों के लिए। हाँ। और ना कि मतलब कभी डिपेंड नहीं हुए हम। और हम बस गॉड से भी यही प्रे करते हैं कि इतनी शक्ति हमें दे कि हम आगे कर पाए, हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। तो अंकित ने मुझे हमेशा बोला था शादी से पहले भी, जब बहुत डिफिकल्ट टाइम हमारा चल रहा था रिलेशनशिप में, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत चीजें देखी हैं, बहुत चीजें, और वो डाउट होता है ना एक लड़की के मन में, लड़की के मन में भी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप तो हमेशा ये बोलते हैं एक दूसरे को, कर लेंगे, बस करते रहो, हम जो कर रहे हैं ना ये करते रहेंगे, हो जाएगा, हम कर लेंगे। डाउट आता था ना मन में, जिसमें मैंने कहा मैं भगवान जी के सामने की रोल लग जाती थी कि मुझे नहीं पता मेरे फ्यूचर में क्या रखा है। तो अंकित मुझे ये बोलता था, कितनी भी लड़ाइयां लड़ी हो, अंकित मुझे ये बोलता था तेरा कोई चीज मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुझे लग रहा है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हम मिलके कर लेंगे जो कर लेंगे। ही हाँ। सेड कि मैं तेरी कोई रस्म अधूरी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सब कुछ तो मैं चाहे हूं। वो कितना हो, मैंने इसको, वो इतना हो। हाँ, मैंने इसको ये कहा था, तेरा कोई चीज किसी से मतलब नहीं है, तेरा सब कुछ मैं हूँ, तेरा कुछ भी नहीं छूटेगा जब तक मैं वहाँ खड़ा हूँ। और मैं वो क्यों कर पाता हूँ,
क्योंकि ये मेरे लिए खड़ी है। अरे मैं ये क्या है, देखो ये इसको चढ़ेगा, नाम किसका आएगा, अंकित ने पहनाया, शुरुआत किसने करी, बीवी ने, मैंने तो प्लान भी नहीं किया, मेरी वो फोरसाइट थी ही नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने सोच के रखा था कि भाई उसको ये करना है क्योंकि आगे टू वे स्ट्रीट गाइस, टू वे स्ट्रीट, मेरे को पता है कि मेरा, मैं इससे कुछ चीज बोलूंगी कि मुझे करना है तो वो मना नहीं करेगा, पर उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है वो मेरी ड्यूटी है। और इसी तरह चलता है। और आई रियली होप कि आप लोग, देखो हम बहुत शायद चीजें गलत भी करते हो लाइफ में, हमको नहीं पता, वी आर बाउंड टू डू दैट ना, जब दो बच्चे अपना घर बनाने निकलते हैं खुद से बिना किसी गाइडेंस के, है ना, बिना किसी सपोर्ट के, तो गलती तो करेगा ना इंसान। लेकिन इस एक चीज में हम चाहते हैं कि आप हमारी बुक में से ये लीफ लो और सीखो क्योंकि हम इससे बहुत प्राउड हैं। हम अपने आप पे बहुत गर्व करते हैं, बहुत थैंकफुल भी फील करते हैं कि गॉड ने हमें इतना केपेबल बनाया कि हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ने देते। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस हस्बैंड आल्सो एंड आई एम थैंकफुल फॉर माय वाइफ एंड आई रियली होप, आई एम थैंकफुल फॉर दिस ऑडियंस, आई रियली होप आप हमें देख के हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन में पार्ट लोगे। जल्दी ही मेरी रस्म होगी, हम करेंगे। प्लीज इसलिए बताइए कि अगर हमारे कुछ 100-150 व्यूअर्स में से अगर दो बच्चे भी सही राह पे चले जाए ना, तो हमारे ये फटे हुए गले में बोलने का फायदा हो जाए। फटे हुए गले में, देखो मेरे को आप तो देख रहे हो पसीना कितना, पंखा भी बंद है, पंखा बंद है क्योंकि आवाज नहीं आएगी, पंखे से आवाज में फर्क आता है, इसलिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, मुझे गर्मी बहुत लगती है। मुझे भी गाइडेंस आगे से मिली है, मेरी फ्रेंड ने दिया है ना, तो जैसे उसने मुझे दी आज मेरा भला हुआ, मैं वो गाइडेंस आगे पास करूंगी, तो इट विल बेनिफिट यू ना, कभी तो कोई ना कोई तो दुआ लग जाएगी। गाइस अगर तुम्हारा भी एक आधा ब्रेसलेट बन गया तुम भी खुश होगे, मुझे मुस्कान निधि को दुआ दोगे, अंकित जी को दुआ दोगे। होप करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, स्टे ट्यून्ड फॉर माय चूड़ा बधाई रस्म, आई एम रियली वेरी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। मैं एक डी टैन करा लेती हूं गाइस, ये देखो टैनिंग देखो कितनी हो गई है, आपको दिखेगा नहीं इसमें, कैमरा, दिस कैमरा डज नॉट डू जस्टिस, इसका हाथ देख के ना वहाँ पे मेरा हाथ नीला पड़ा हुआ है गाइस। ज्वेलरी स्टोर वाले ने भी बोला था कब से पहना हुआ है आपने, शी गॉट स्केयर्ड, मतलब मुझे इतनी इचिंग हो रही है यहाँ पे, और मेरे को डॉक्टर ने भी बोला कि प्लीज रिमूव दिस, डॉक्टर सेड प्लीज रिमूव दिस इमीडिएटली, मैंने कहा इट्स ओके मैडम आई विल डू इट, डोंट वरी आई विल डू। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, होप करते आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।